हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिंट पूरी रेसिपी, यानी कि पुदीने की पूरी की रेसिपी। और ये पूरी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो पुदीने की पूरी बनाने के लिए ये मैंने एक मुट्ठी पुदीना लिया है, जिसको मैंने पहले ही अच्छे से धुल लिया था। और अब इस पुदीने को हम थोड़ा सा कूट लेंगे। तो जिसमें हम अदरक कूटते हैं ये मैंने वो लिया है, और इसमें हम इस पुदीने को डाल के अच्छे से कूट लेंगे। क्योंकि जब हम कूट के पुदीने को और फिर उसे पूरी बनाने में यूज करते हैं, तो पुदीने का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आप चाहो तो इसको चाकू से बारीक कट करके यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको मिक्सी में डालकर पीस भी सकते हो। तो आपको जो भी ईजी लगे आप उस तरीके का यूज कर सकते हो। तो अब मैंने पुदीने को अच्छे से कूट लिया है। आप देख सकते हो कि पुदीना अच्छे से कूट चुका है। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड में रख देंगे और पूरी बनाने के लिए आटा लगाना शुरू करेंगे। तो आटा लगाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, और इस बोल में ऐड कर रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। जिस आटे से हम अपनी रेगुलर रोटियां बनाते हैं, ये वही वाला आटा है। और अब इस आटे में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप चिली फ्लेक्स की जगह हरी मिर्च को बारीक कट करके यूज कर सकते हो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 से 2 चम्मच तेल। और उसके बाद मैं इसमें ये ऐड करूँगी पुदीना, जो कि हमने अभी कूट के तैयार किया था। और अब हम इन सारी चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एक सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। और आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। ये मैंने 1 कप रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है, ना ही तो ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म। अगर आप गर्मियों में आटा लगा रहे हो तो रूम टेम्परेचर पर पानी ले और उसी से आटा लगाए, और अगर आप सर्दियों में आटा लगा रहे हो तो थोड़ा सा लुक वार्म टाइप वाटर ले, उसी से हमारा आटा लगकर अच्छा तैयार होता है। और ये पूरा ही 1 कप पानी इस आटे को लगाने में लग गया है, और आप देख सकते हो कि अच्छा सख्त आटा लगकर तैयार हो गया है। और अब इस आटे को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, लेकिन उससे पहले इस पर थोड़ा सा हम ऑयल ऐसे लगा देंगे, और उसके बाद इसको ढक कर कम से कम 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो करीब 20 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। और अब इस आटे को हम थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे, क्योंकि हमारा आटा जितना अच्छा स्मूथ होगा उतनी ही अच्छी सॉफ्ट और फूली फूली पूरियां बनकर तैयार होगी। और आप देख सकते हो कि जब हमने इस आटे को बनाया था तो ये थोड़ा सा सख्त था, लेकिन अब एकदम से परफेक्ट है ये पूरी बनाने के लिए। तो अब मैंने आटे को अच्छे से स्मूथ कर लिया है, और इससे से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और ऐसे लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले मैं कुछ 5 से 6 लोइयां तैयार कर लूँगी, और उसको फिर हम बेल कर पूरियां बनाएंगे, और उसके बाद हम बाकी ऐसे ही सारे आटे से पूरियां बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने ये 1 लोई ली है और अब इसको हम बेलेंगे। तो मैं इसको बेलने के लिए ये चॉपिंग बोर्ड का यूज कर रही हूँ। आप किचन काउंटर या फिर चकला किसी का यूज भी कर सकते हो। और इस लोई पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, और अब इसको हम अच्छे से बेलकर तैयार करेंगे। लेकिन हमें इसको हल्का सा मोटा रखना है, क्योंकि अगर पूरी बहुत ज़्यादा पतली होगी तो भी वो अच्छे से नहीं फूलेगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है, और अब ऐसे ही हम बाकी बची हुई लोइयों को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। इन मिंट की पूरियों को बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है, और वो भी कुछ ही चीज़ों के साथ, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे एक एक करके सारी पूरियों को बेल रही हूँ, और यहाँ हमारी पूरियाँ बेलकर कुछ तैयार हो गई है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो पूरियों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, और गैस का फ्लेम हाई रखा है। तो हाई फ्लेम पर अब तेल अच्छे से गरम हो गया है। इसको चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा इसमें डालकर देखा, तो वो तुरंत ही ऊपर आ गया है। इसका मतलब तेल एकदम परफेक्ट गरम है। तो अब हम इसमें एक एक करके पूरियाँ तलकर तैयार करेंगे।
तो यहाँ मैंने पूरी को तेल में डाल दिया है और पूरी को ऐसे हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए हम पूरियों को दोनों साइडों से सुनहरी कलर का होने तक सेक लेंगे, या फिर आपको जितनी भी खस्ता पूरी पसंद है तब तक हमें इसे सेक कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हो हमारी एकदम गोलगप्पे जैसी फुली फुली पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो इस पूरी को हम एक किचन पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो पेपर पर आ जाएगा। और अब ऐसे ही हम अपनी सारी पूरी इस तरीके से ही बनाकर यानी कि तलकर तैयार करेंगे। और आप देख सकते हो कि हमारी सारी पूरियाँ कितनी अच्छी फूल रही है और इनका टेस्ट तो अच्छा है ही। तो बस अब ऐसे ही मैं अपनी सारी पूरी बनाकर तैयार कर लूँगी। इन पूरियों को बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम आटा लगाते हैं तो अच्छा सख्त और स्मूथ आटा लगाकर तैयार करना है, और फिर पूरियों को बेलते हुए हल्का सा मोटा रखना है, और फिर इनको फ्राई करने से पहले तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद फ्राई करना है। तो यहाँ हमारी सारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो आज की ये मिंट पूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।